क्लास टू का चैप्टर टू आज पढ़ाएंगे, चैप्टर वन हम पढ़ा चुके हैं, आज चैप्टर टू कराएंगे। चैप्टर टू में पढ़ना है माई फैमिली, चैप्टर टू में क्या पढ़ना है माई फैमिली, मेरा परिवार। फैमिली किसके होता है, परिवार। इसमें अपने परिवार के बारे में पढ़ना है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में हम कुछ वर्ड लिंक करा देते हैं, ठीक है। फैमिली मिस होता है परिवार, फैमिली मिस क्या होता है परिवार। मेंबर्स मिस हो गया सदस्य, फैमिली मिस हो गया परिवार, मेंबर्स मिस हो गया सदस्य, MEMBERS मेंबर्स मिस हो गया सदस्य। सिब्लिंग्स मींस होता है सगे भाई बहन, SIBLINGS सिब्लिंग्स होते सगे भाई बहन। टुगेदर मिस हो गया एक साथ, टुगेदर मिस क्या हो गया एक साथ। डिफरेंट ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग क्या है आयोजित करना। सच हो गया ऐसा, हो गया इस वर्ड मीनिंग को लर्न करिएगा। चैप्टर टू हो गया माय फैमिली, इसमें दिया है What do your family members like to do their free time? मतलब तुम्हारे परिवार के सदस्य एक्स्ट्रा समय में फ्री समय में क्या करना चाहते हैं वही इसमें लिखना है। जैसे कि योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, पेरेंट्स किसके हैं माता पिता है, तुम्हारे माता पिता एक्स्ट्रा समय में क्या करना चाहते हैं, What they do वे क्या करते हैं यहाँ पर लिखना होगा। योर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स क्या हो गया सगे भाई बहन, तुम्हारे भाई बहन जो है वो एक्स्ट्रा समय में क्या करते हैं तो उसके यहाँ लिखना होगा। योर ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे दादा दादी क्या करते हैं तो उसको यहाँ लिखना होगा। ओके आगे देखिए, फैमिली हैव ए लॉट ऑफ फन टुगेदर, अपने परिवार में मनोरंजन काफी होता है, परिवार के साथ रहने पर हम बहुत इंजॉय करते हैं। दे हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर, दे हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर, अपने परिवार में एक दूसरे के लोग हेल्प करते हैं।
फैमिली कैन बी डिफरेंट टाइप्स, फैमिली कैन बी डिफरेंट टाइप्स, मतलब परिवार जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ए फैमिली दैट हैज ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियर। ए फैमिली मतलब इस परिवार दैट हैज ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब वह परिवार जिसमें पेरेंट्स माता पिता और उनके बच्चे एक या दो बच्चे एक साथ रहते हैं उसको नॉन एज न्यूक्लियर फैमिली, उसको न्यूक्लियर फैमिली यानी कि छोटा परिवार बनाते हैं, मतलब जिस परिवार में मदर फादर और एक या दो बच्चे एक साथ रहते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली। ओके, ए फैमिली दैट इज मेड अप ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इज नॉन एज जॉइंट, मतलब वह परिवार जिसमें दादा दादी मम्मी पापा और चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसको ज्वाइंट फैमिली यानी कि बड़ा परिवार के नाम से जानते हैं। जिस परिवार में चाचा चाची दादा दादी मम्मी पापा और कजन एक साथ एक ही घर में रहता है उसको ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। आंट एंड अंकल एंड देयर फैमिली मे ऑल्सो बी पार्ट ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली का पार्ट अंकल और आंट भी होते हैं जो हम पहले अमरिंदा और उनके मम्मी पापा रेहान हिज मदर एंड दियर डॉग, रेहान और रेहान उसकी माँ और दियर डॉग और उनका कुत्ता, इसमें क्या है रेहान है उसकी माँ है और उसका डॉग कुत्ता। स्मिता हर मदर अस्मिता उसकी माँ हर ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी एंड दियर डॉग और उसका कुत्ता, इसमें क्या बेटा है अस्मिता है और उसके माँ है मदर हर ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी एंड डियर डॉग और उसका। आगे वी सेलिब्रेट ए स्पेशल डे, वी सेलिब्रेट सेलिब्रेट किसके आते मानना, वी सेलिब्रेट ए स्पेशल डे सच एज बर्थडे एंड एनिवर्सरी एंड फेस्टिवल विद आवर फैमिली, कहते हैं कि हम लोग अपने परिवार में जैसे बर्थडे मनाते हैं या शादी का मनाते हैं या कोई अदर फेस्टिवल मनाते हैं, वी समटाइम्स ऑर्गेनाइज पार्टी और उसमें क्या करते हैं हम अपने दोस्त को या संबंधी को बुलाते हैं। वी ऑल्सो गो फॉर पिकनिक, कभी कभी हम लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं, टू शॉपिंग मॉल, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं एंड वेडिंग विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ किसी शादी में जाते हैं। ठीक है, तो आज जो चीज हम पढ़ा लिए कल जो शेष बाकी है वो अगले क्लास में